हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ की तबस्सु में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आए हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरी स्किन कैसी हो रही है, देखिए कितनी डल और कितनी एकदम, देखिए बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, इतनी गंदी स्किन हो रही है मेरी, क्योंकि मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब रही है बीच में, इस वजह से मैं अपना ध्यान नहीं रख पाई। स्किन का हाल आप देख रहे हैं कितना गंदा हो रहा है। शायद आप लोगों में से भी बहुत लोगों के साथ सर्दियों में ऐसा होता होगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक सिंपल सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसमें हम एक स्क्रब और एक पैक बनाना मैं आपको सिखाऊंगी, अप्लाई करना सिखाऊंगी, किस तरह से अप्लाई करना है, कब कब अप्लाई करना है। बहुत सिंपल सी रेमेडी है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। एक बारी में ही इसका रिजल्ट आप लोगों को दिखाई देगा, जो हमारी स्किन पे इंस्टेंट ही लाइटनिंग, वाइटनिंग और ब्राइटनिंग इफेक्ट देगी, स्किन को रेजुविनेट करेगी। जब हम स्क्रब देंगे अपनी स्किन को तो बहुत अच्छे से नरिश करेगा हमारी स्किन को, टैनिंग हटाएगा, सारी डेड स्किन को, डेड स्किन सेल्स जो हैं उसको रिमूव करेगा, दाग धब्बे जो झाइयाँ हमारी स्किन पर हो जाती है उसको, पिगमेंटेशन को, उन सब को ठीक करेगा। तो अगर मैं एक सेंटेंस में बोलूं तो हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन है ये, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो देखिए मेरा फेस अभी एकदम न्यूड है, बिल्कुल न्यूड है। तो अब मैं आपके साथ ही इफेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि ऐसी इजी और आसान रेमेडीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं और आप लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँचते रहें। साथ में छोटू सा बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक टाइम से पहुँचती रहे। और मैं आप लोगों को अगेन बता दूं कि मेरे चैनल पर आप लोगों को मिला जुला कंटेंट मिलेगा, जिसमें होम ब्लॉग्स, ब्यूटी से रिलेटेड ब्लॉग्स हो और होम रेमेडीज़, ब्यूटी रेमेडीज़, मार्केट एक्सप्लोरिंग, DIY, ETC, मच एंड मच मोर। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को एक ही चैनल पे मिल सके। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पैक स्क्रब बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ मैंने देखिए गुलाबी वाली मसूर दाल ली है, ये मैंने 2 चम्मच ली है और मैं इसे आधी कटोरी दूध में भिगा दूँगी और इसको मैं सोख होने दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए, ताकि ये आसानी से भीग जाए और अच्छे से सॉफ्ट हो सके, ताकि हम इसका एक पेस्ट बना के रखते हैं। और अब हम इसे ढक के रख दूंगी। ये रेमेडी बहुत इफेक्टिव है दोस्तों, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी एज ग्रुप का आदमी, औरत, लड़का, बच्चे सब लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब मैं इसका आप लोगों को फेशियल करके दिखाऊंगी तो आप लोग खुद देखेंगे ये कितनी इफेक्टिव रेमेडी है। और कोशिश कीजिए जब भी आप ऐसी कोई रेमेडी करें, कोई फेस पैक वगैरह लगाएं, तो वो रात को लगाएं, ताकि आपकी स्किन को टाइम मिल सके रिपेयर होने का, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी जो स्किन है वो रिपेयरिंग मोड पे चली जाती है। हमें जो भी हम अप्लाई करके सोते हैं उसका हमें बेस्ट रिजल्ट मिलता है। तो कोशिश कीजिए जो भी आप करते हैं वो रात में करें। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पीस लिया है और मैं इसका एक्सट्रैक्ट निकाल लूँगी। इसको हमें कच्चे दूध में सोक करना है। इसमें मैंने जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सॉरी उसकी लिस्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि मैंने इस रेमेडी में क्या क्या और कितनी कितनी क्वांटिटी में चीज़ें यूज़ की हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पैक के लिए और स्क्रब के लिए हमारी 2 चीज़ें तैयार हो गई हैं। तो चलिए चलते हैं अगले इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। ये मसूर की दाल है जो हमने भिगाई थी और उसको मैंने पीस लिया था, पीस के मैंने इसका एक्सट्रैक्ट अलग कर लिया था और ये हमारे पास इसका मैश बचा हुआ है। तो इस मैश को हम एज अ स्क्रब यूज़ करेंगे। तो इस मसूर की दाल जो मैंने पीस के रखी है, इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच चीनी, ग्रैनुलेटेड शुगर जो होती है नॉर्मल घर की चीनी वो हम इसमें ऐड करेंगे, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नींबू। चीनी जो है बहुत अच्छा जो है स्किन को रेजुविनेट करने के काम आती है, डेड स्किन सेल्स को रिमूव करती है, फेस पे इंस्टेंट ग्लो लाती है। और इसके साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा टमाटर का जूस। टमाटर के जूस की प्रॉपर्टीज़ आप सभी को पता होंगी, स्किन लाइटनिंग में बहुत अच्छा काम करता है, जो स्किन के हमारे ओपन पोर्स हो जाते हैं उसको टाइट करता है धीरे धीरे। जैसे यहाँ पर कुछ लोगों को बहुत बड़े बड़े से छेद छेद से नज़र आते हैं यहाँ पर, और डेड स्किन को रिमूव करता है, हमारी जो ओपन पोर्स होते हैं उनको बंद करता है, टैनिंग को रिमूव करता है। तो टमाटर इस काम में आता है। तो फटाफट से इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपने हाथ यूज़ करना बहुत पसंद है। इसके साथ में इसमें डालूँगी थोड़ा सा हनी, 1/2 चम्मच हनी। आपके पास रॉ हनी हो तो वो ज़्यादा बेटर है, मेरे पास रॉ हनी नहीं था तो मैं ये नॉर्मल हनी यूज़ कर रही हूँ। तो 1/2 चम्मच मैं इसमें हनी यूज़ कर लूँगी। हनी जो है बहुत अच्छा स्किन मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम करता है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें मिला ली हैं, लाल मसूर की दाल जो हमने सोख की थी वो पीसा हुआ, उसमें मैंने चीनी डाली है, टमाटर का पल्प डाला है, एक छोटा टमाटर लीजिए रेड कलर का, उसको कद्दूकस कीजिए, दैट्स इट हो गया। उसमें मैंने थोड़ा सा शहद ऐड किया है। तो अब हम इसे मिलाएंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारा होममेड स्क्रब जो है वो बन के तैयार है।
और बहुत इफ़ेक्टिव स्क्रब है। मैं आपको इसके सिर्फ एक बार लगा के दिखाऊंगी और इंस्टेंट आपको इसका असर दिखेगा। तो सबसे पहले मैं तैयारी कर लूँ ताकि मेरे कपड़े और गंदे ना हो, सेफ्टी मस्ट है ना। तो मेरे पास ये रफ कपड़ा पड़ा हुआ था तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने स्किन पे स्क्रब करेंगे, तो स्क्रब स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा लेके, और बहुत हल्के हाथों से हमें स्क्रब करना है। बिल्कुल भी टाइट हाथ अपनी स्किन पे नहीं चलाने हैं, क्योंकि जितना टाइट हाथों से हम अपने स्किन को रब करेंगे उतनी ही हमारी स्किन जो है डैमेज होगी। तो बहुत हल्के हाथों से स्क्रब करना है हमें। ये थोड़ा फेस पे लगाने के पे झड़ता है, लेकिन इसका जो एक्सट्रैक्ट है चीनी का, नींबू का, शहद का, टमाटर, ये हमारी स्किन पे जो इसका लिक्विड है वो रहता है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रब हमारा काम करता है। तो इसे हम 3 मिनट के लिए अच्छे से हल्के हाथों से मसाज करेंगे। चीनी जो है डेड स्किन को निकालेगी, क्योंकि सर्दियों में कई बार अब हम अपना फेस छूते हैं, टच करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है एक मोटी सी खुरदरी सी परत हमारे चेहरे पे जम गई है। जब आप ये एक बार यूज़ करेंगे स्क्रब, तो आप इंस्टेंट देखेंगे कि आपकी स्किन में एकदम सॉफ्टनेस हो गई है और आपकी स्किन एकदम सॉफ्ट हो गई है, मुलायम हो गई है। 3 मिनट के लिए हम स्क्रब करेंगे अच्छे से हल्के हाथों से, और अपने नेक का भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि हम लोग कुछ भी करते हैं सिर्फ अपने फेस के लिए करते हैं और अपने नेक को हम लोग भूल जाते हैं, लेकिन हमें अपने नेक को बिल्कुल भूलना नहीं है। तो 3 मिनट के लिए अच्छे से स्क्रब कर लेते हैं। 3 मिनट तक मैंने स्क्रब कर लिया है, देखिए अच्छे से स्क्रब हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये करते करते ही सूख गया है, देखिए अच्छे से सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे ऐसे स्क्रब करते हुए छुड़ाएंगे, बिल्कुल हल्के हाथों से छुड़ाना है। देखिए बिल्कुल हल्के हाथों से गोलाई में ऐसे हाथों को गोल गोल घुमाते हुए हमें इसे रब करना है। इससे हमारी जो भी डेड स्किन है वो निकलेगी, पिगमेंटेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, वो सब इससे हमारे धीरे धीरे जो है लाइट होने लग जाते हैं। ये देखिए इस तरह से आप रब करेंगे तो ये देखिए इसके साथ स्क्रब के साथ हमारी सारी डेड स्किन जो है वो निकल जाएगी। तो जब आप एक एप्लीकेशन इसकी करेंगे आपको तभी इसका फ़र्क पता चल जाएगा। तो जहाँ भी आपको आपको ब्लैक हेड्स लगते हैं या आपको लग रहा है डेड स्किन ज़्यादा है, वहाँ पर आप ऐसे रब करते हुए देखिए अच्छे से ऐसे रब करते हुए गोलाई में, और इसको हल्के हल्के हाथों से सारा स्क्रब जो है रिमूव कर लेंगे हम। नेक पे भी इसी तरह से करेंगे, देखिए सारी डेड स्किन जो ब्लैकनेस हो जाती है, सर्दियों में ज़्यादा स्किन हमारी ख़राब हो जाती है ड्राइनेस की वजह से। तो ये देखिए हल्के हाथों से रब करते हुए हम सारा जो है इस तरीके से निकाल देंगे इसको, तो हमारी सारी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी। पीछे भी ऐसे ही नेक पे करेंगे, ये देखिए इस तरह से जितनी भी डेड स्किन होगी, जो भी देखिए ब्लैकनेस होगी, वो सब हमारी इसी के साथ निकल जाएगी आराम से। आजकल सर्दियां हैं और कुछ करने का दिल नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी स्किन का आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सुंदर लगना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। और यकीन मानिए जब आप इसे करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको एक बारी में नज़र आएगा। आप इसे अपने हाथों पे भी लगा सकते हैं, जो भी आपका ओपन एरिया है, आपके पैर हैं, फीट हैं, आपके घुटने, जिन लोगों के काले होते हैं, जिन लोगों की कोहनियाँ काली होती हैं, तो वो लोग इसको हर जगह पे यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हर जगह पे जहाँ आपको आपको लगे कि ब्लैकनेस ज़्यादा हो रही है या डेड स्किन है, आप इसको वहाँ पे आराम से यूज़ कर सकते हैं स्क्रब। तो चलिए फटाफट से फेस साफ़ कर लेते हैं। तो मैंने बस पानी हल्का सा, मेरा नॉर्मल हुआ है, ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, बिल्कुल हल्का सा पानी मैंने सिर्फ रखा गर्म होने, बस उसकी गर्माहट ठंडक ख़त्म हो गई, फिर मैंने वो लिया है। अच्छे से क्लीन करेंगे, मसूर दाल के तो जितने फ़ायदे गिनाए जाएं उतने कम है, स्किन के लिए वरदान होती है मसूर की दाल जो है, और हमारे घरों में आसानी से मिलती है। तो आप इसका जो है यूज़ कीजिए और अपनी स्किन को देखिए सुंदर बनाइए। तो जब कभी मुझे लगता है मुझे खुद को पैम्पर करना है, तो फिर मैं इसी तरीके से अपने आप को टाइम देती हूँ, चाहे कितना ही बिजी रूटीन क्यों ना हो,
थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना चाहिए। और हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं वो अपना अपने आप को बिल्कुल इग्नोर करती हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं देती, तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए। तो देखिए अभी सिर्फ स्क्रब किया है और मुझे अपनी स्किन थोड़ी पहले से काफ़ी हद तक साफ लगने लग गई है। देखिए तो स्क्रब करने के बाद अब हम बनाएंगे पैक। तो फेस पैक बनाने के लिए जो मैंने इस मसूर दाल का, जो देखिए कच्चे दूध में मैंने मसूर दाल को भिगाया था, उसके बाद उसको पीस के जो मैंने एक्सट्रैक्ट निकाला है उसको छान के, ये देखिए इस तरह से है, ये देख सकते हैं आप लोग, ये मसूर दाल और कच्चे दूध का एक्सट्रैक्ट है। इसमें मैं मिलाऊंगी राइस फ्लावर। राइस फ्लावर सब घर में आसानी से मिलता है, तो मैं इसमें इतना राइस फ्लावर मिलाऊंगी कि बस इसका पेस्ट आराम से बन जाए। मिक्स करेंगे राइस फ्लावर। तो देखिए एंशियंट टाइम से यूज़ करती आ रही हैं लेडीज़ें, स्किन को, स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है ये, स्किन को एजिंग से बचाता है, डार्क स्पॉट्स जो जाइयाँ झुर्रियाँ और दाग धब्बे हो जाते हैं, पिगमेंटेशन हो जाती है, राइस फ्लावर उसके लिए वरदान है। और मसूर दाल के साथ मिलके तो ये डबल एक्शन धमाका कर देता है। तो ये देखिए इसके साथ में मिलाऊंगी थोड़ा सा इसमें टमाटर का पल्प, तो जी हमारा फेस पैक रेडी है। अप्लाई करते हैं, आप चाहें तो ब्रश का यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं अपने हाथों से ही इसे लगाऊंगी, ऊपर के डायरेक्शन में ले जाते हुए लगाना है। पिगमेंटेशन, झाइयाँ, दाग धब्बे तो ये दूर करेगा ही, हमारे जो ओपन पोर्स हो जाते हैं उनको भी ये बंद करेगा और साथ ही स्किन को भी टाइट करेगा, टैनिंग को रिमूव करेगा। और ये मास्क जो है एंटी एजिंग मास्क है, इस मास्क को आप हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर रिजल्ट्स। कोई भी मास्क आप अप्लाई करते हैं आपको ये ध्यान रखना है कि उसे हमें अपवर्ड मोशन में लगाना होता है, अंडर आई में अप्लाई करेंगे। गर्दन पे लगाएंगे अपवर्ड मोशन में, और अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इसकी जगह बेसन का भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर बेसन भी ना हो तो आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी चीज़ों में स्किन वाइटनिंग प्रॉपर्टी होती है। तो अगर आपके पास राइस फ्लोर ना हो तो आप बेसन या मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, और चावल घर में सबके पास होते हैं, थोड़े से चावल लीजिए और उनको कपड़े से अच्छे से पोंछ के, ताकि उनमें जो केमिकल वगैरह हो वो अच्छे से निकल जाए, और फिर आप उसको मिक्सी में जितना बारीक कर सकते हैं उतना बारीक करके और उसको छन्नी से छान लीजिए, आपको चावल का आटा मिल जाएगा। तो बहुत ईजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चावल का आटा बाज़ार से ही खरीद के लाओगे, तो आप घर पे आराम से बना सकते हो। चलिए जी हमारा फेस पैक लग गया है, अब हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने देंगे। हाँ जी, तो पैक एकदम अच्छे से सूख चुका है और मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो फटाफट से पैक को छुड़ाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों को थोड़ा गुनगुने पानी से गीला करेंगे और अपने फेस को देखिए अच्छे से डैप करेंगे, नेक को भी करेंगे और हल्के हाथों से मसाज करते हुए। कोई भी पैक हम जब हम अप्लाई करते हैं तो उसे हमें डायरेक्टली नहीं छुड़ाना चाहिए, हल्के हाथों से पहले आप उसको डैप कीजिए पानी से और उसके बाद हल्के हाथों से मसाज करते हुए फिर आप उसे रिमूव कीजिए, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। देखिए हल्के हाथों से बिल्कुल हमें आप ये जो पैक बनाएंगे, आप इस पैक को एक बार बना के रख सकते हैं और ये एक हफ्ते तक इसे एयरटाइट डब्बी में रखिए, एक हफ्ते तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो ऐसा भी कोई झंझट नहीं है कि आपको इसे बार बार बनाना है, तो आप एक बार बना के रख दीजिए और अल्टरनेटिव आप पैक को यूज़ कर सकते हैं, स्क्रब आप हफ्ते में दो बार यूज़ कर सकते हैं। तो साफ़ करेंगे, देखिए आप देख पा रहे होंगे स्किन पर थोड़ी मेरी शाइन आ गई है, देखिए ब्लैकनेस आपको दिख रही होगी कि हट गई है, देखिए
तो ये बहुत अच्छी रेमेडी है, इस रेमेडी को मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी। और मसूर की दाल तो वैसे ही बहुत स्किन के लिए बहुत वरदान का काम करती है। जो हमारे आंखों के आसपास काले घेरे, काले धब्बे हो जाते हैं, फाइन लाइंस, रिंकल्स हो जाती हैं, तो ये उसको भी एकदम ठीक कर देता है। देखिए मेरा फेस एकदम से कितना क्लीन लगने लग गया पहले के अकॉर्डिंग। तो इसे रिमूव करने के लिए आप हल्के गुनगुने पानी का यूज़ करेंगे, गर्म पानी नहीं यूज़ करना है, सिर्फ हल्का गुनगुना पानी, पानी की ठंडक ख़त्म हो जानी चाहिए। तो इसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए कि आप लोग मेरी स्किन में कितना फ़र्क देख पा रहे होंगे। अभी मैंने फेस जस्ट वॉश किया है और टी शर्ट चेंज करी है क्योंकि टी शर्ट मेरी गंदी हो गई थी बहुत ज़्यादा। देखिए नेक भी कितना क्लीन हो गया है एक एप्लीकेशन में ही, देख पा रहे होंगे आप लोग। स्किन भी देखिए, जो ब्लैकनेस देखी, टैनिंग एक बारी में मेरी काफ़ी हद तक निकल गई है, तो इफ़ेक्ट आप लोग देख पा रहे होंगे। अब हमें क्या करना है, इसके बाद जो भी आप सीरम यूज़ करते हैं, आप सीरम लगाइए फेस पे अच्छे से। अच्छे से एक मिनट के लिए मसाज करेंगे। इंस्टेंट इफेक्ट दिखता है इस फेशियल का, मिनी फेशियल आप बोल सकते हैं। देखिए आंखों के नीचे के काले धब्बे भी आप लोगों को कुछ कम लग रहे होंगे पहले के अकॉर्डिंग। कैमरा शायद उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा हो, बट मुझे जेन्युइनली फील हो रहा है। देखिए बहुत क्लीन क्लीन लग रहा है। देखिए अब मैंने सीरम लगा लिया है। अब आप कोई सा भी अच्छा मॉइस्चराइज़र जो आपकी स्किन को सूट करता हो, इसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है, क्योंकि जब भी हम फेस पैक अप्लाई करते हैं हमारी स्किन इमीडिएट जो है वो ड्राई हो जाती है, क्योंकि फेस पैक स्किन को कसता चला जाता है। तो स्किन टाइट तो होती है, लेकिन जब हम उसे वॉश करते हैं तो इंस्टेंट हमें ड्राइनेस फील होती है। तो उस ड्राइनेस को दूर करने के लिए हमें एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। अगर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना चाहते तो आप जो भी नाइट क्रीम यूज़ करते हैं और विटामिन सी का सीरम यूज़ करते हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसका रिव्यू मैं दे चुकी हूँ, ये O3 प्लस का प्लंज का जो नाइट क्रीम है, रेडियंस का, मैं ये यूज़ करती हूँ क्योंकि अभी रात हो रही है, तकरीबन 10:30 बज रहे हैं, इसके बाद मैं सो जाऊँगी, तो मैं ये नाइट क्रीम अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो थोड़ी सी मैंने ले ली है और इसे मैं हल्के हाथों से मसाज कर लूँगी। आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगी हो, ये फेशियल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे और मिनी फेशियल फेशियल क्लीनअप मैं आप लोगों के लिए लेके आ सकूं, जो मैं खुद पर्सनली यूज़ करती हूं। देखिए कोई स्किन पे मेकअप नहीं है, एकदम न्यूड स्किन है इस टाइम मेरी। देखिए कितना क्लीन लग रहा है। और अपने फेस और अपने नेक को हमेशा एक जैसा रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने फेस की केयर कर रहे हैं तो अपने नेक की अच्छे से देखभाल कीजिए फेस के साथ, ताकि आपका फेस और नेक एक जैसा दिख सके। बहुत सारी लेडीज़ों का होता है फेस का कलर अलग होता है, नेक का अलग होता है, बैक का अलग होता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। जो भी चीज़ आप फेस पर अप्लाई कर रहे हैं अपने नेक पर और अपने गर्दन पर, अच्छे से उसको भी अप्लाई कीजिए। तो मुझे अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है और ख़ुद को भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपको ये मिनी फेशियल कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप ऐसी और रेसिपी रेमेडीज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपको ये रेमेडी पसंद आएगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।